जी डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज हम स्टडी करेंगे एफएससी सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 16। द टॉपिक इज स्पोर्ट एंड मूवमेंट। सो क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू इनहेलेशन ऑफ फूड इनटू लंग्स। इनमें से कौन सी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से फूड जो है वो लंग्स में जा सकती है? माइक्रोसेफली, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, क्लेफ्ट पैलेट। ये तो इजी है, आना चाहिए। क्लेफ्ट पैलेट, दैट्स राइट, क्योंकि दिस इज द ओनली थिंग रिलेटेड टू इनहेलेशन ऑफ फूड इनटू द लंग्स। क्लेफ्ट पैलेट इज अ कॉमन बर्थ कंडीशन, दैट एक पहली चीज। दूसरा, इट कैन अकर अलोन और एज पार्ट ऑफ अ जेनेटिक कंडीशन और सिंड्रोम। ये अकेले भी हो सकते हैं, इसमें कुछ सिंड्रोम भी हो सकती है, सिंड्रोम में जिसमें बहुत सारी डिजीजे होती हैं। सिम्टम्स अराइज फ्रॉम द ओपनिंग इन द माउथ। ये देखना, जैसे नॉर्मली तो यहाँ पे जो लिप है यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे जुड़ा हुआ होना चाहिए था। ओके, यहाँ भी हो सकता है, और क्या कर सकते हैं, और आगे जाके नीचे वो क्लेफ्ट पैलेट को भी हो सकता है, जिसकी वजह से इन दो हिस्सों में कन्वर्ट हो सकता है। सिम्टम्स अराइज फ्राम द ओपनिंग इन द माउथ, दे इंक्लूड डिफिकल्टी स्पीकिंग एंड ईटिंग। डेफिनेटली जब आपने बोलना और खाना है तो उसमें तो आपका मुंह बंद होना चाहिए ना, और प्रेशर क्रिएट होता है। सर्जरी रीस्टोर्स नॉर्मल फंक्शन विदाउट मच स्कारिंग। दिस इज अ जेनेटिक डिफॉर्मेशन। यूजली बच्चों में लाइक 5 to 6 month की एज में इसकी सर्जरी करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज डज रिड्यूस मैस मेक्स बोन्स वीक। कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से बोन मैस रिड्यूस हो जाती है? ऑप्शंस आर माइक्रोसेफली, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड डिस्क स्लिप। व्हाट डू यू थिंक? ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, व्हाट इज दिस ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस क्या भला है? ऑस्टियोपोरोसिस इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच द बोन्स बिकम ब्रिटल एंड फ्रेजाइल फ्रॉम द लॉस ऑफ टिश्यू, टिपिकली एज अ रिजल्ट ऑफ हार्मोनल चेंजेस और डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी। तीन चीज़ें बताएं। पहली बात, इसकी क्या वजह हो सकती है कि विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी हो सकती है, या फिर हार्मोनल चेंजेस स्पेशली लाइक इन फीमेल्स में। फीमेल्स में विटामिन डी, कैल्शियम और हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन है वो उसका लेवल कम हो गया, तो उसकी वजह से बोन की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, प्रॉपर नहीं बनेगी, और जिसकी वजह से बोन जो है बड़ी फ्रेजाइल हो जाएंगी, बड़ी नाजुक सी हो जाएंगी, टूट सकती। अब देखें, दिस इज हेल्दी बोन, उसमें आप देखें हर तरफ जो साइज है इनके ऑस्टियोब्लास्ट का वो सेम है। अब यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस है, जहाँ कहीं पे दरमियान में वो बड़ी ओपनिंग है, कहीं पे छोटी है, तो बेसिकली अगर इन दोनों बोन्स को अगर आप वेट करें तो ये वाली बोन हल्की होगी, इसकी बोन मैस वीक होगी। द बोन मैस इज रिड्यूस बट बिकॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मैटर इट रिमेन्स नॉर्मल। ओके, सो 2 out of 2, यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टनिंग स्लैश वीकनिंग ऑफ द बोन्स ड्यू टू इनएडिक्वेट विटामिन डी। इनमें से कौन सी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अगर विटामिन डी ना मिले तो बोन क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, वीक हो सकती है? रिकेट्स, आर्थराइटिस, शियाटिका, डिस्क स्लिप। रिकेट्स, ओके, इट्स वेरी कॉमन इन पाकिस्तान एंड लाइक अदर एशियन कंट्रीज। सो व्हाट इज रिकेट? रिकेट इज अ डिजीज इन चिल्ड्रन स्पेशली विच रिजल्ट्स इन बेंट लेग्स एंड डीफॉर्म्ड पेल्विस। उनमें अब देखिए, ये नॉर्मल है, इसमें ये हिप बोन है और साथ में ये फीमर है, थाई बोन्स है, और मतलब स्ट्रेट खड़े। अब अगर रिकेट्स हो जाए, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए, तो ये बजाय सीधी होने की ये क्या हो जाएगी, कर्व्ड हो जाएगी, कर्व्ड हो जाएगी, ठीक है। इट इज़ कॉज बाई डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन दी डाइट और विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो बेसिकली ये कैल्शियम की कमी है या विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे दिखाया गया है उसकी लेग जो है स्ट्रेट नहीं है, बोर लेग्स हैं। नाइस, 3 out of 3, यू गाइस आर इन अ गुड रो टुडे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज बाय रबरी डिस्क बिटवीन द स्पाइनल बोन्स। स्पाइनल बोन के दरमियान में एक रबरी डिस्क आ जाती है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? रिकेट्स, आर्थराइटिस, शियाटिका, डिस्क स्लिप। रिकेट्स और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, आर्थराइटिस ये भी, ये क्या थी, बोन्स में
जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, शियाटिका क्या होती है, डिस्क, इन दोनों में से कोई एक है। व्हाट डू यू थिंक? डिस्क स्लिप, दैट्स राइट। ओके, लेट्स स्टडी अबाउट डिस्क स्लिप। डिस्क स्लिप आल्सो नोन एज हर्निएटेड डिस्क। हर्निएटेड डिस्क का मतलब जो डिस्क अब एक जगह से हट जाए। ये वो डिस्क नहीं है जिसमें आप गाने सुनते हैं, ये दूसरी डिस्क है। इज अ कंडीशन विच अकर्स वेन द सॉफ्ट सेंटर ऑफ अ स्पाइनल डिस्क पुशेस थ्रू अ क्रैक इन द टफर एक्सटीरियर। अब देखें, ये बेसिकली सिर्फ बैक बोन दिखाई गई है और उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्क दिखाए गए। कहते हैं नॉर्मल ये है, ये तो वर्टिब्रा, दो वर्टिब्रा के दरमियान में ये जो किस कलर की है, पिंक कलर की नॉर्मल डिस्क है। और ये थोड़ी सी टूटी फूटी, इसको क्या कहेंगे, डी जनरेटेड डिस्क कहेंगे। और इसको कहेंगे बल्जिंग डिस्क, क्योंकि ये जो डिस्क है वो बल्ज होगी इधर पीछे को। इस तरह हर्निएटेड डिस्क किसे कहते हैं, और पीछे चली गई, ये डिस्क थिन हो गई है। इसी तरह डिस्क जनरेशन विद ऑस्टियो ऑस्टियोफाइट्स, उनकी बोन बढ़ जाती है। अब ये है नॉर्मल डिस्क दिखाया गया, इनके बेसिकली वर्टिब्रा, उसके ऊपर दूसरा पर तीसरा जगह दरमियान में जो होती है उसको कहते हैं डिस्क। सो दिस इज बेसिकली स्पाइनल कैनाल, दिस इज नॉर्मल डिस्क, स्पेशली जो वाइट की है। हर्नियाटेड डिस्क क्या है, ये जो वाइट अपनी जगह से हट जाए, उसकी वजह से वहाँ पर नर्व पड़ी हुई, अगर वो नर्व पिंच हो जाएगा, उसके ऊपर प्रेशर हो जाए, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज व्हेन अ हर्निएटेड डिस्क और बोन्स पर इन द स्पाइन प्रेशर प्रेसेस ऑन ए नर्व, रिकेट्स, आर्थराइटिस, शियाटिका, डिस्क स्लिप। ओके, इसमें ये बताइए कि जब हर्निएटेड डिस्क होती है तो उसकी वजह से जो नर्व पे कंप्रेशन होती है, डिस्क की वजह से या बोन्स पर की, इस पर भी नहीं, बोन का जो हिस्सा है, तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है? दैट्स राइट, शियाटिका। सो शियाटिका इज अ पेन रेडिएटिंग अलॉन्ग द शियाटिक नर्व विच रन्स डाउन वन और बोथ लेग्स फ्रॉम द लोअर बैक। शियाटिका टिपिकली इफेक्ट्स ऑन, बेसिकली बच्चे होता क्या है कि यहाँ पे जैसे ही ये डिस्क पर लैप्स होती है तो वो उस नर्व को पिंच करती है जो कि लेग में जाती है। तो यहाँ पे खुदा ना खासा L4 L5 पे, वहाँ पे अगर डिस्क पर लैप्स होगी तो पूरी जो टांग इस तरह लगेगा जैसे कि करंट लग गया, बहुत शदीद दर्द होती है एक साइड पे होती है। प्रेशर ऑन शियाटिक नर्व काजेस रेडिएटिंग पेन, जिस उस नर्व का क्या नाम है, शियाटिक नर्व, और उसी नाम से उसका प्रॉब्लम है शियाटिका। तो डेफिनेटली इसकी जो है, सो यू हैव टू बी सीन बाय द ऑर्थोपेडिक सर्जन सो दैट दे कैन रिलीव द प्रेशर आइदर बाय एक्सरसाइज और आइदर बाय सर्जरी। होप यू लाइक इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, यू गाइज कैन मेक कमेंट्स, लाइक इट, सब्सक्राइब और शेयर विद फ्रेंड्स। The only purpose of this lecture are to just like create an interest in biology. Okay, best of luck and good luck for you and for your country. If you guys want to see me or attend my video lecture, you guys can visit City College Shadra Jalal Center, that is our main campus, or you guys can visit campus 2 Shadra Station, Barfkhana Wali Gali. Keep smiling, keep studying. Take care.